विद्यार्थी मित्रों, अंत में सत्याग्रह आश्रम में विनोबा जी का आचरण कैसा रहा, इसके बारे में गांधी जी को विनोबा जी जानकारी देते हुए कहते हैं कि अंत में सत्याग्रह श्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा, यह कहना आवश्यक है। अस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। अपरिग्रह लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है। बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है। इस कारण शरीर पर ही धोती ही ओढ़ लेता हूँ, करगे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध में मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठीक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना ही कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ और आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वह है अपना भोजन यानी भाकरी स्वयं बनाना, मैंने इसका भी प्रबंध किया पर प्रवास में यह संभव न हो सका। सत्याग्रह का यह दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखे, ऐसा विनोबा जी का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है।